सो हाय गाइस, और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको एक माइक की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत होती है। मैं लेके आया हूँ आज एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो बोया BY-M1 के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर लगा हुआ है वो, मैं आपको आज उसका रिव्यू करके बताऊंगा एंड उसका अनबॉक्सिंग भी करूंगा कि कौन सा क्या क्या चीजें उसके अंदर मिलती है। बेस्ट चीपेस्ट माइक फॉर यूट्यूब वीडियोस कमिंग अप नेक्स्ट। बोया का माइक था वो हो गया था खराब, तो इसके लिए मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाना बंद कर दिया था। लेकिन मुझे वो माइक बहुत ज्यादा पसंद था तो मैंने फिर से खरीदा उसको। फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेते पहले, उसके बाद बात करेंगे हम लोग कंपैरिजन का। गाइस, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, मुझे सपोर्ट करे। तो एट लास्ट मेरे पास आ चुका है मेरा माइक, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये है अमेजोन से आया हुआ। बहुत ही गंदा पैकेजिंग किया था अमेजोन ने, आपको दिखाऊं तो मैं निकाल के बता देता हूँ यहाँ पर डब्बे को, तो उसको ढकेल देते हैं। तो ये रहा, आप देख पा रहे हो यहाँ पर पूरा भीगा हुआ है ये, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो ये है बोया को, फोकस कर देता हूँ मैं थोड़ा। ये है बोया BY-M1, जो द बेस्ट माइक है, सबसे अच्छी माइक मैं बोलूँ तो। फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है हम लोगों को और हम लोग कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पर आ जाता है हम लोगों के पास एक वारंटी कार्ड, आई थिंक यही है, समथिंग फोटो इंडस्ट्री करके लिखा हुआ है। ये है हम लोगों का मेन कंपार्टमेंट जिसके अंदर सब कुछ है हम लोगों का, आपको मैं निकाल के बताता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये है माइक हम लोगों का और ये कुछ एब्जॉर्बर्स है, उसको फेंक देंगे हम लोग। यही मेन चीज है हम लोगों का गाइस, इसी से हम लोगों का मेन काम होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये है। और इसमें साथ में आपको मिलता है ये सब चीजें कुछ कुछ, अगर छोटे पिन से आपको बड़े पिन में कहीं लगाना है तो भी आप लगा सकते हो, लाइक एम्पलीफायर हो गया। और उसके बाद ये आ जाता है हम लोगों का डेड कैट, जो है नॉइस प्रोटेक्शन हम लोगों का। और इसके साथ एक क्लिप भी मिलता है जो इसके अंदर है, मैं खोल के बताऊं तो आपको, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एक मिलता है हम लोगों को, इसको वैसे एडाप्टर भी बोलते हैं लोग। और ये हो गया हम लोगों का डेड कैट, जो एक सिंपल स्पंज है जैसे कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद आ जाता है हम लोगों का क्लिप, जो हम लोग अभी लगाएंगे अपने माइक पे। ये रहा हम लोगों का क्लिप, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है ये, एकदम स्टील का लग रहा है मुझे तो। तो कुल मिला के गाइस यही सब आपको मिल जाता है इसमें। वीडियो का बैकग्राउंड पसंद आ रहा है तो गाइस प्लीज कमेंट करके बताएं, अगर आप ऐसा बैकग्राउंड आपको चाहिए, वो भी DIY है, कुछ इतना महंगा नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे बनाते हैं ऐसा बैकग्राउंड। तो जो बैकग्राउंड आपने अभी देखा, अगर आपको वो बनाना है DIY है वो भी, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। गाइस आप लोगों के लिए इजी होगा एंड वो एकदम चीप है, 50 रुपए में, ओनली 50 रुपीज में यू कैन मेक इट। प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो, मैं श्योर बनाऊंगा। तो अब आ जाता है हम लोगों के पास क्वालिटी, तो आपको बताना है कि कौन सा आपको क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है। फटाफट जाके हेडफोन्स पहन लीजिए और मुझे बताइए कॉमेंट करके कि कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो बोया M1 लगा हुआ है, अभी आवाज जो आप सुन पा रहे हो वो बोया M1 का ही है। अब मैं स्विच करता हूँ मेरे दूसरे माइक पे जो Zoom H1 है, और ये मैंने स्विच किया। अब आपको बताना है कि कौन सा अच्छा लग रहा है। और वैसे जूम माइक जो रहता है हमेशा दूर रहता है, यहाँ से लेके 15 इंचेस से दूर कम से कम। आप लोग बताइए कि कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको, पावरफुल लग रहा है। तो मैं स्विच कर लेता हूँ अगेन बोया M1 की तरफ, और बोया M1 आता है 20 मीटर लंबा एक वायर के साथ, जैसे कि आपको दिखाऊ तो मैं, ये सब ऐसे वायर से सी, जैसे आप देख पा रहे हो इतना बड़ा वायर है इसके साथ आ जाता है। मीन्स आप वहां पर कैमरा रख के भी, एकदम दूर कैमरा रख के भी आप लोग यहाँ से शूट कर सकते हो खुद को एंड बात कर सकते हो, तो आपका वॉइस एकदम क्लियर जाएगा उधर तक। एंड मैं बोया M1 क्यों प्रेफर करता हूँ, क्योंकि हम लोग अपने फोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं उसको, एंड उसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं अपने कैमरा से भी, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लेपल माइक देखे हैं मैंने जो चीपेस्ट आते हैं लाइक 150, 200, 300, वो सब ज्यादातर DSLR में कनेक्ट नहीं होते, और हम लोग जब फोन पे कनेक्ट करते हैं उसका उतना अच्छा क्लैरिटी मिलता नहीं है। लेकिन आपको बताना है कि बोया BY-M1 का कैसा आपको वॉइस क्वालिटी मिल रहा है, क्योंकि मुझे तो काफी अच्छी लगती है वो। मेन चीज ये मुझे कितने में आया, ओनली 779। ठीक है गाइस, इतना अच्छा माइक मिल रहा है आपको 779 ओनली। अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज अगर वो लिंक आप लोग यूज करोगे, अगर एक दो जन ने भी कोई भी खरीद रहे हो प्लीज वो लिंक से खरीदो, ताकि मेरा भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। गाइस अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, मुझे सपोर्ट करे, मुझे 4000 सब्सक्राइबर्स करने के लिए मदद करे, प्लीज शेयर कीजिए हो सके।
तो लाइक कीजिए, प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम लोग कनेक्टेड हो सकते हैं हमेशा। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। वे ड्रिल एज ऑलवेज, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे गाइस। आई सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।